गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर थर्ड रीड करेंगे और समझेंगे। चैप्टर नेम है वन एंड मैनी, एक और एक से ज़्यादा। द नाउन्स विच मीन्स वन, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग आर कॉल्ड सिंगुलर नाउन्स। मैं आपको पहले नाउन पढ़ा चुकी हूँ कि नाउन क्या था। पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के नेम्स को बोलते हैं नाउन। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है नाउन, जैसे वन पर्सन है, वन प्लेस है, वन एनिमल है, वन थिंग है, तो वन है ये, तो ये होता है सिंगुलर नाउन्स। जैसे सिंगुलर मीन्स, सिंगुलर का नाम का मीन्स क्या है, वन। एक चीज़ की बात की जाएगी तो वो होता है सिंगुलर नाउन। नेक्स्ट है द नाउन विच मीन्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग आर कॉल्ड प्लूरल नाउन। अगर एक से ज़्यादा चीज़ों की बात करें, जैसे वन पर्सन से ज़्यादा मतलब टू पर्सन हैं, टू प्लेस हैं, टू एनिमल हैं और टू थिंग्स हैं, तो ये होता है प्लूरल नाउन। जैसे एक से ज़्यादा चीज़ों की बात की जाती है उसको बोलते हैं प्लूरल नाउन। प्लूरल मीन्स मोर देन वन, एक से ज़्यादा जो होता है वो प्लूरल नाउन्स कहलाता है। वी कैन चेंज ए सिंगल नेमिंग वर्ड इंटू मैनी बाय एडिंग एस टू इट। जैसे सिंगल नेमिंग वर्ड है तो हम उसे ज़्यादा बनाने के लिए क्या लगाएंगे, किसका यूज करेंगे, एस का, उसमें एस ऐड करेंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है काओ, कितनी काओ है, वन काओ है, तो उसको बोलेंगे सिंगुलर टू नाउन, सिंगुलर नाउन। काओ वन काओ है, यहाँ पर कितनी काओ है, वन टू थ्री, वन से ज़्यादा हो गई ना, तो इसमें क्या ऐड किया हमने, एस ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, एस ऐड कर दिया, तो काओ काउस। नेक्स्ट वन एच आई डबल है हिल, एक हिल है या बहुत सारी हिल हो गई, मतलब तीन हिल है, एक से ज़्यादा है ना, तो हिल्स पड़ जाएगा। नेक्स्ट सी आर कार, कितनी कार है, एक, और ये कितनी कार है, वन टू थ्री, थ्री कार्स हैं, तो इसमें एस ऐड कर देंगे। नेक्स्ट वन एप्पल, वन एप्पल, ज़्यादा एप्पल हो गए तो एप्पल्स बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, एप्पल्स। ये कितनी पेंसिल है, वन है, तो इसे बोलेंगे पेंसिल, यहाँ पेंसिल ज़्यादा हैं तो पेंसिल्स ऐसे ऐड कर दिया। नेक्स्ट बलून, बलून्स, कैरट, कैरट्स, स्नेक, स्नेक्स। ठीक है, अब फिर से रिपीट करते हैं, काओ काउज, हिल हिल्स, कार कार्स, एप्पल एप्पल्स, पेंसिल पेंसिल्स, बलून बलून्स, कैरट कैरट्स, स्नेक स्नेक्स। ठीक है, तो इसमें एस ऐड कर दिया ना, एक से ज़्यादा है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। चलिए आगे रीड करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द पिक्चर स्टोरी, या एक पिक्चर स्टोरी दी आपको, उसे अंडरस्टैंड करनी है, समझना है। देखिए कबीर की टू नोटबुक्स, कितनी नोटबुक्स हैं, टू, तो देखिए टू नोटबुक्स है ना, वन से ज़्यादा है तो एस लग गया इसमें। वन कलरिंग बुक्स, अब देखिए यहाँ कितनी कलरिंग बुक है, एक है ना, तो इसलिए इसमें एस नहीं लगा, तो कलरिंग बुक, केवल बुक बोला जाएगा इसे। एंड वन टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक कितनी है, वन, तो इसमें एस नहीं लगा है, देखिए विदाउट एस है, तो इन योर बैग। ठीक है, कबीर कीप टू नोटबुक्स, वन कलरिंग बुक एंड वन टेक्स्ट बुक इन योर बैग, कबीर के बैग में सारी नोटबुक्स हैं। डोंट फॉरगेट टू कीप वन ड्राइंग शीट, तो देखिए यहाँ पर कितनी ड्राइंग शीट है, वन है, तो शीट्स नहीं, यहाँ पर शीट है, वन है, अगर दो होती या तीन होती तो शीट्स हो जाती, क्या हो जाती, शीट्स हो जाती, यहाँ वन ड्राइंग शीट है, तो तुम भूल मत जाना वन अपनी ड्राइंग, वन ड्राइंग शीट। नेक्स्ट डू चेक योर पेंसिल बॉक्स, यहाँ देखिए कितने पेंसिल बॉक्स है, एक है ना, तो इसलिए पेंसिल बॉक्स है, बॉक्सेस नहीं है, तो उन्होंने, उनकी मम्मी ने बोला कि अपने पेंसिल बॉक्स चेक करिए। नेक्स्ट में देखिए, बट मम्मा टीचर आस्क्स मी टू ब्रिंग थ्री ड्राइंग शीट्स, अब यहाँ कितनी ड्राइंग शीट्स हैं, थ्री है ना, तो शीट्स बोलेंगे। अभी हमने यहाँ देखा, यहाँ कितनी थी, एक थी ना, तो शीट थी, और यहाँ शीट्स हैं, तो टीचर, वो बच्चा बोलता है मम्मी से,
टीचर बोलती हैं डेली अपनी ड्राइंग 3 ड्राइंग शीट्स लाया करो। ठीक है, नेक्स्ट डे आई हैव कैप्ट 2 पेंसिल्स इन माय पेंसिल बॉक्स। देखिए यहाँ पर पेंसिल्स है ना, टू हो गई ना यहाँ पर, तो पेंसिल्स हो गए, पेंसिल नहीं है, इन माय पेंसिल बॉक्स। अब पेंसिल बॉक्स कितना है, एक है ना, तो पेंसिल बॉक्स है केवल। ठीक है, तो आई हैव कैप्ट 2 पेंसिल्स इन माय पेंसिल बॉक्स, तो बोलता है मैंने 2 पेंसिल्स अपने पेंसिल बॉक्स में रख ली हैं। आगे देखते हैं, हियर 2 नोटबुक्स, कितनी नोटबुक्स है, 2, इसलिए एस ऐड कर दिया। ड्राइंग शीट्स कितनी है, 3, तो एस ऐड कर दिया। पेंसिल्स कितनी है, 2, तो एस ऐड कर दिया। अगर हमारा 1 से ज़्यादा है तो उसमें वर्ड में एस ऐड होगा। 1 कलरिंग बुक, कलरिंग बुक कितनी है, 1, तो इसमें एस ऐड हुआ, नहीं। 1 टेक्स्ट बुक, तो 1 है तो नहीं हुआ। 1 पेंसिल बॉक्स, इसमें नहीं हुआ क्योंकि 1 पेंसिल बॉक्स है। अगर 1 से ज़्यादा है तो उसमें एस ऐड होगा, अगर 1 है तो उसमें एस ऐड नहीं होगा, केवल वही वर्ड आ जाएगा। देखिए अब आगे, वी ऐड ES टू नेमिंग वर्ड्स दैट एंड इन एस ओ एस 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 एच एक्स और सी एच टू शो मैनी। अब देखिए जिस नेमिंग वर्ड में लास्ट में ये लेटर आते हैं तो उनके साथ क्या ऐड करते हैं, ES ऐड करते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं गैस, अब देखिए S आ गया लास्ट में लेटर, तो इनके साथ ES लगा दिए, गैस गैसेस। टमाटो, O आ गया ना लास्ट में, तो ES, टमाटो टमाटोज। बॉस, डबल S आ गया तो ES, बॉसेस, बॉस बॉसेस। विश, SH आ गया तो विशेस, विश विशेस। फॉक्स, एक्स आ गया लास्ट में, फॉक्सेस, फॉक्स फॉक्सेस। मैच, सी एच आ गया तो मैचेस, मैच मैचेस। गैस, गैसेस। टमाटो, टमाटोज। बॉस, बॉसेस। विश विशेस। फॉक्स फॉक्सेस। मैच मैचेस। तो इन सब के साथ हम क्या ऐड करेंगे, वर्ड के लास्ट में ES ऐड करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ड में हम ES ऐड करें, केवल जो लास्ट में वर्ड के ये लेटर्स आए इनके साथ आप ES लगाइएगा, और जो ये लास्ट में लेटर नहीं आए तो उनके साथ तो आप S लगाएंगे, अगर एक से चीज ज़्यादा है तो हम इसका यूज़ करेंगे। ओके बेटा, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ओके बेटा, बाय।